तो बाबा ने भी हम बच्चों को हर मुरली कर्मों पे ध्यान खिंचवाया। बच्चे किसी को संकल्प से भी दुख नहीं देना, क्योंकि देना देना नहीं होता, लेना होता, और लेना लेना नहीं होता, देना होता। जो चीज हम देंगे वो लौट के हमारे पास ही आएगी, और जो चीज हमें मिलेगी वो लौट करके वापस उसी के पास जाएगी। बाबा जी दो तीन दिन पहले मुरली में कहा था ब्रह्मा बाबा के लिए कि इन्होंने अपने योग बल से अपने पाप कर्मों को खत्म किए, नहीं तो बाबा ने कहा इतनी लंबी यात्रा के इनके जो हिसाब किताब थे वो भी बहुत भारी थे। अब हम सोच सकते हैं कि बाबा ने इतनी गहन तपस्या की, अपनी नींद को भी योग में बदल दिया। बाबा ने कुली में ये भी कहा था कि घंटे तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा के पास भी 24 थे, आपके पास भी 24 थे, अर्थात समय तो उनको भी उतना ही मिला, आपको भी उतना ही मिला, लेकिन फिर भी वो विकर्मातीत कर्मातीत बने। तो उसका कारण यही था कि उन्होंने अपने एक एक सेकंड को सफल किया, जमा किया, एक एक सेकंड को योगयुक्त बनाया, नींद को भी योगयुक्त बनाया। तो उसका परिणाम ये निकला कि वो अपने सर्व पापों के खाते को खत्म कर सके। अब हम बच्चों के सामने भी ये बड़ी भारी मंजिल, हमारे आगे कर्म बंधन बने नहीं और पीछे के कर्मों का खाता हमारा पूरा खत्म हो जाए, ये हमारी सबसे बड़ी मंजिल है जो हमको अचीव करनी है। और ये अचीव तब होगी जब हम एक एक सेकंड एक एक संकल्प पर ध्यान रखेंगे। इसको केवल हम ही कर सकते हैं, हमारे खाते को बनाया भी हमने तो चुकतू कौन करेगा, हम ही करेंगे। बनाते समय हमने किसी को नहीं कहा कि बनाने में हमें सहयोग, तो चुकतू करने में कोई सहयोगी कैसे बन सकता है। हाँ, बाबा सहयोगी, परम दयालु, परम प्रोपकार एक बाबा है जो कहता है किया तुमने और चुकतू मैं करा। ये तो यही बात हुई कि कर्ज लिया हमने और वो दयालु कहता है कि कोई चिंता नहीं करो, तुम्हारा कर्ज उतारने में मैं मदद करा। तो ऐसे दयालु को पाकर के हम पूरा फायदा उठाएं और अपने खाते को क्लियर कर लें। यही है कर्मों की गहन गति की समझ और शक्ति।